हाँ दोस्तों, सर ठाकुर, दोस्तों मैंने पिछले वीक एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रेंटल पे कॉलिंग की थी और मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू। और फिर मुझे किसी ने कहा था कि सेल्फ पे सेम ऐसा ही वीडियो बनाओ जो कि मतलब लाइव होगा, अनकट होगा, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं रेंडमली कोई भी नंबर ले रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। टू थ्री फोर फाइव थ्री नाइन। अपन जो नंबर डायल के, मैंने गलत डायल किया, एक ज्यादा लगा दिया था। 3 9 1 3 7। तो दोस्तों अभी देखें लोगों के रिस्पांस क्या रहते हैं। लीड आई हुई है। हेलो, मैं सनत बोल रहा हूँ। आप कुछ प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं पुणे में? नहीं सर, नहीं कर रहे। ओके, अभी एक नई चीज़ समझ में आई। मेरा मूड ही चेंज हो गया एक्चुअल में, कि जब मैंने पूछा, क्योंकि वो दिस कॉल इज़ यू नो रिकॉर्डेड आते ही मैंने कहा कि यार क्यों ऐसे, कुछ लोग ऐसे लगा के रखते हैं, तो मुझे वो बंदा ही नहीं लगा सही रिकॉर्डिंग में। फिर और अगर ऐसा कोई आए तो और ज़्यादा बात ही मत करो, मैं ऐसे करता हूँ, पता नहीं आपका क्या है। अब आप लोग सोचोगे कि सनत तो करता होगा, तो पता नहीं सब एकदम तैयार हो जाते होंगे, फ़ोन पे पैसे भेज देते होंगे। भाई जो आपके साथ होता है मेरे साथ भी होता है, क्लाइंट को क्या पता कौन है सनत। अब ये एक नई टोन आई है, ये भी डायलिंग ही होती है बट डिफरेंट है। तो मैं ना कैसे भी करता हूँ, जरूरी नहीं कि एकदम फिक्स स्क्रिप्ट है कि गुड मॉर्निंग सर, मैं सनत बोल रहा हूँ, कारगिल प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। मेरा काम है कि मैं कितने कम समय में कितने ज़्यादा लोगों को टच करूँ, फर्स्ट 10 सेकेंड में ही मैं अपना मकसद क्लियर कर देता हूँ। नहीं लगा। अब होगा क्या, बाद में भी इन लोगों के कॉल आएंगे, तो ठीक है देखते हैं। तो कितने कॉल पे मैं देखो कनेक्ट कर पाता हूँ किसी को और क्या होता है, लेट्स सी। और इसमें से एक भी कॉल में ऐसे नहीं है कि बीच में वीडियो कट होगा, तभी आपको रियलिटी समझ में आएगी ना। तो जो आपके साथ होता है मेरे साथ भी होता है, मेन मुद्दा तो यही है थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। व्यस्त आए मतलब उसने काट दिया है नंबर। क्या करूँ। ओके okay. अब जब ऐसे आ जाता है तो आदमी की थोड़ी थोड़ी हिम्मत ना कम होने लगती है, जो एक्साइटमेंट है, एनर्जी लेवल है, सोचता है यार। बट मैं भी ऐसा हूँ कि अब इसमें होता क्या है, जस्ट नेक्स्ट बात बनी तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सोल्यूशन कुछ नहीं है उसका, कुछ नहीं कर सकते। जब तक अटेंड ही नहीं करेगा मैं क्या ही कर लूँगा उसका। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून, सनत बोल रहा हूँ। सर आप कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं पुणे में? नहीं अभी। अच्छा, मुझे आपका नंबर मिला था ऑनलाइन, मेरे पास कुछ चांस की प्रॉपर्टी आई है सर, अगर कुछ इंटरेस्ट हो तो बताना। ठीक है ठीक है, कौन से एरिया में? ईस्टर्न पुणे में है सर, विमान नगर, कल्याणी नगर, खराड़ी, ईस्टर्न पार्ट में है। आपका क्या है, रियलिटी एस्टेट? यस यस, कारगिल, कारगिल प्रॉपर्टीज नाम है कंपनी का। अच्छा, यस सर। विमान नगर में कहाँ पे है? और ये मुझे विमान नगर में सर आपको रोहन मिथिला में एक तो सबसे बेस्ट माना जाता है, वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। बाकी तो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, वैसे कोनार कैंपस है, जिरकॉन है, एक्रोपोलिस है, स्काई वी है। आप कुछ बताएंगे सर आप किस रेंज में देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये बेस्ट रहेगा उस रेंज के लिए। तो मेरा तो 90 to 1 CR तक बजट है। और 2 BHK आप देख रहे हैं? ओके, 2 या 3? नहीं 3 तो नहीं होगा सर, आपको 2 BHK मिल जाएगा इस रेंज में। और आप कब देखना चाहोगे?
रोहन मिथिला मैंने देखे थे फ्लैट, तो मुझे पसंद नहीं आया वो। ओके तो मुझे है ना एटलीस्ट कोना कैंपस या फिर और कोई सोसाइटी रहेगा तो चलेगा। कोणार कैंपस में भी मिल जाएगा सर, वहाँ पे है मेरे पास दो ऑप्शन। और इस मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ 2 BHK 92-1 CR के बीच में। क्या ये आप शुभ गेटवे में नहीं, शुभ गेटवे का कुछ देखा है क्या आपने? शुभ गेटवे देखा है उसका, बट तो काफी कॉस्टली जाता है। 2 BHK है ही नहीं उधर तो पहली बार। नहीं, अभी नया लॉन्च किया है ना सर, शुभ निर्वाणा। हाँ लेकिन उसमें 2 BHK है क्या? हाँ है ना, 2 BHK, 2 और 3 BHK हैं। तो उसमें शुभ गेटवे में भी मेरे पास रिसेल में आए हैं, और शुभ निर्वाणा तो प्री लॉन्च। आप कैसे, आपको दोनों ऑप्शन चलेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव, या आप कुछ ऐसा फिक्स है कि? रेडी टू मूव रहेगा तो प्रेफर्ड है। अच्छा ओके। और ये एक जो अभी वैसे तो कल्याणी नगर एक्सटेंशन बोलते हैं, एफ रेजेंसी में भी आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं सर। अच्छा आपने देखा है कोई ब्रह्मा सन सिटी, एफ रेजेंसीज? हाँ वहाँ भी ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ सर, दो तीन फ्लैट है ना अरेंज करता हूँ एक ही बार में, लाइनअप करता हूँ। आपके लिए कब पॉसिबल होगा देखने के लिए आना? आप अरेंज कीजिए, मैं मेरा लड़का है उसको बोलूंगा देखने के लिए। मैं थोड़ा आउट ऑफ सिटी हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बेटे का नंबर दे देना, और मेरे ऑफिस से जो हमारे सेल्स मैनेजर हैं जो देखते हैं सेल्स का, मैं उनको बोलूँगा कनेक्ट करके 3-4 ऑप्शन दिखा देंगे, और फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर। ठीक है ओके सर, आप मेरा नंबर सेव कर लो, इन केस कुछ आपको बात करना हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय। दोस्तों ये ना एक बहुत ही परफेक्ट गया कॉल। स्पेशलिटी क्या थी आप तो कमेंट करना कि क्या लगा। ये बंदा पहले अगर कोई अनाड़ी कॉल करता तो ये नहीं था हाथ में, उसने पहले बोल दिया, नहीं बोल दिया था। मैंने उसको बोला चांस की है, देन चांस के बाद आया। तो मेरी एक पंचलाइन है, मतलब मैं कोई स्क्रिप्ट से नहीं सीखा, कि वो बंदे को मैं ना भी रहे ना तो बोलता है नहीं, अभी तो हो गया, अभी तो नहीं देख रहा हूँ। एग्जैक्टली यही बोला था उसने। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा नो प्रॉब्लम सर, लेकिन मेरे पास ना 2-3 चांस की आई थी। हर आदमी को ऐसे सुनना अच्छा लगता है, अच्छा क्या है फिर बताओ, इसका मतलब लुकिंग जोन में। अब ये क्लाइंट को अगर कोई अच्छा आदमी प्रॉपर 2-4 फ्लैट लेके दिखाए, उसको अच्छा नॉलेज है, उसने जो भी प्रॉपर सोसाइटी के नाम लिए, चाहे मैंने शुभ गेटवे बोला, रोहन मिथिला बोला, उसके बाद कोनार कैंपस, एफ रेडेंसी, तो वो जानता है, सीरियस है। और उसके बेटे से अभी कनेक्ट करना पड़ेगा, डिसीजन मेकर तो ये रहेगा। और बेटा अगर आता है देखना तो और इजी रहता है, यंग लोग बहुत जल्दी बहुत वो एम्बिशियस रहते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, और फिर पापा को बोल दिया पापा ये ठीक है तो पैसे भी 2-4 लाख इधर उधर, समझ रहे हो? तो ये आगे करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि देखते हैं कि देखो कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग अटेंड नहीं करेंगे, कुछ लोग कट कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग मिल जाएंगे। तो आपको एक रूल बताता हूँ, उसको बोलते हैं SWSWSWSWSW, प्रिंसिपल है ये। सम विल, सम वॉन्ट, सो वॉट, सम वेयर, सिक्स विल। समझे कि नहीं समझे, दोबारा बताना पड़ेगा, वीडियो वापस सुन लो। तो दोस्तों मजा आया, एक डील तो भाई हाथ में है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेस तो आपको यकीन भी आ गया होगा कि जो है कुछ भी बनावटी नहीं है यहाँ पर। मैं रैंडमली, एक स्क्रीन है मेरी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पूरा हिलाना पड़ेगा सिस्टम, तो उसमें से मैं किसी को भी कॉल लगा रहा हूँ। और फिर हाँ, पर इस एरिया की लीड है, ऐसे नहीं कि दो ही कॉल लेना है या ज़्यादा लेना है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट आप लोगों को बीच बीच में मैं ये बताते भी रहता हूँ, उसके जो पोस्टमार्टम करते हैं ना, जैसे कि क्या मुझे लगा, क्या फीलिंग आई, वो बंदा लेगा नहीं लेगा, सीरियस है कि नहीं, तो सारी चीज़ें भी। पर मेरा आप 2-3 चीज़। हेलो सर। अच्छा सर, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आप प्रॉपर्टी देख रहे थे ना इस एरिया में अपने। हाँ, तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम जीरो ब्रोकरेज फॉर बायर्स डॉट कॉम। अपन ने माय नेम इज तुषार शाह, आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया था मेरे सैटेलाइट हाउस के फ्लैट के लिए। यस यस यस,
डुप्ले पेंटहाउस का। हाँ 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी वी स्टार्टेड अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड zerobrokerageforbuyers.com जिसमें बेसिकली वी आर यू नो गैदरिंग यू नो कलेक्टिंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग यू नो पीपल हु आर बाइंग पीपल आर लुकिंग टू बाय एंड वी स्टार्टेड अ फुल सर्विस ब्रोकरेज आल्सो। पर सर मैं शायद नहीं याद कर पा रहा हूँ, मेरी बात हुई थी आप कह रहे हैं तो जरूर हुई होगी लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। योर नंबर सेव्ड ऑन माय फोन ना, इसलिए तो वी वर एबल टू ब्रॉडकास्ट टू दैट। एक्चुअली आई एम रियल एस्टेट कंसल्टेंट कारगिल प्रॉपर्टी, यू नो मी। ओके ओके कारगिल। ओके फाइन, मैं मेरा जो कॉल करने का मकसद कोई और था लेकिन मैं आपसे फुर्सत में कभी बात करूंगा सर। थैंक यू सो मच। सेंड मी योर डिटेल्स लाइक अबाउट योर कंपनी एंड ऑल, आई विल गो थ्रू एंड यू नो गेट बैक टू यू। ठीक है ठीक है, थैंक यू। मैं ऑफिस में ऑलरेडी सेंड यू नो व्हाट्सएप यस्टरडे बट आई विल सेंड इट टू यू फ्रॉम माय नंबर द वन दैट यू मे हैव सेव। ओके ओके फाइन, मैं शायद ओवरलुक हो गया, मैं देख लूंगा। थैंक यू। कुछ पता ही नहीं है, ऐसी भी लीड आ जाती है भाई जिसका कोई लेन देना नहीं है। तो अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि ये सीरियस कॉलिंग चालू है। ऐसे भी कुछ रहते हैं उठसुट के, बंदे का मकसद कुछ और होता है और आपको लगता है ये लीड दे रहे हैं, उसने अपने ही कुछ जीरो ब्रोकरेज और कौन सी कंपनी बना रहा है बंदा, और वो कहीं ढूंढ रहा होगा सनत ठाकुर को और उसने क्लिक कर दिया होगा। और वो तो बंदे ने मतलब कंपनियां तो यही करती हैं, लीड बना के मुझे दे दी और उनका कैप्चर किया डिटेल और दे दिया और हम उसको कॉल करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मान लो मुझे फ्लैट बेचना है और मुझे चेक करना होता है कि क्या प्राइस चालू है, प्राइस निकालने के लिए मैं ऐसे ही कॉल कर लेता हूँ कि कितना में है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन निकालनी रहती है उनको। तो मेरे साथ भी वही होता है, तो इसका भी मुझे कुछ पता नहीं, देखेंगे बाद में। अगला क्या है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लोग बोलते हैं ना, ये हो गया ऐसे हो गया, मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन एक ही है, नेक्स्ट अगले को कॉल करो बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं डर ही गया यार, मेरा नंबर ही पता है मेरे। अच्छा हो गया मैं एकदम चालू नहीं हो गया बड़बड़ करना, नहीं तो बोलता यार। और मैं मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट इतना पॉसिबल नहीं है कि ध्यान रख पाना किससे क्या बात हुई है क्या है। अब एक और कॉल लगा है, 10 मिनट का हो गया वीडियो। हेलो, मैं सनत बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से। आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं ना कुछ? कहाँ से बोल रहे हैं? कारगिल प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ, पुणे विमान नगर। तो आपकी एक इंक्वायरी आई थी, तो सर कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज आई हुई थी अपने पास, तो कब टाइम रहेगा आपको, फिर एक दो विजिट करा देते हैं। कौन से लोकेशन पे है ये? विमान नगर खराड़ी, मतलब ईस्टर्न पुणे में दो तीन जो लोकेशन है, कल्याणी नगर, विमान नगर, खराड़ी, ये एरिया में। ये क्या मतलब रिसेल के या न्यू है? दोनों ऑप्शन है सर अपने पास, आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है? मुझे रिसेल का फ्लैट लेना है कल्याणी नगर साइड में। अच्छा, आपको रिसेल में लेना है कल्याणी नगर में। कल्याणी नगर का एक एक्सटेंशन है, वड़गांव शेरी बोलते हैं वैसे, जहाँ पे एफ रेजिडेंसी ब्रह्मा है, वहाँ भी चलेगा आपको? नहीं, मेरे को ऐसी सोसाइटी में लेना है ना वो रीडेवलपमेंट को जाए। अच्छा, मार्केट यार्ड साइड में भी अपना जो सलिसबरी पार्क वगैरह एरिया है ना। हाँ, उस साइड में भी चलेगा। अच्छा, कोई स्पेशल रीजन ऐसे कि मतलब फिर डबल फायदा हो जाता है, रीडेवलपमेंट में बड़ा साइज मिल जाएगा, पैसे मिल जाते हैं, ये वजह है? हाँ। ओके, तो आपने तो फिर सर काफी उसके ऊपर देखा होगा समझा होगा, तो आप कुछ बताओ मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये ढूंढना पड़ेगा, ये तो बहुत जो 40-50 साल पुरानी सोसाइटी है ना। मिनिमम 40 साल पुरानी चाहिए सोसाइटी, 40 से ज्यादा की नहीं चाहिए। ओके, तो ठीक है सर, पण तुम्ही काही असा ऑप्शन जर पाहिला असेल तर मला सांगा आणि मी इन्क्वायरी करून तिथे काढून देतो तुम्हाला फ्लॅट। इकडे कल्याणी नगर मध्ये ते राग विलास सोसायटी वगैरे। हा, यस राग विलास मी लिहून घेतो, त्यामध्ये तुम्हाला भेटलं तर मग फायनल आहे। ह्याच्या मागे ना आपलं काय ते आगा खा भवनच्या पाठीमागचं ना, त्या साईडला येतं परत। हा, त्या साईडला येतं नंतर इकडं आपलं ते ओशो पार्क आहे ना। हा, जुन्या सोसायटी आहेत। ओशो पार्क म्हणजे कोरेगाव पार्क, ओशो आश्रम नाही का? हा हा, कोरेगाव पार्क ना, ओशो कम्युन आश्रम, बरोबर बरोबर, तिथे एक दोन जुनी आहे। येस येस, अरे उसमें एक है मार्केट यार्ड साइड में वो शंकर शेट रोड है ना। हाँ हाँ, और मीरा सोसाइटी, सलिसबरी पार्क वगैरह, शंकर शेट रोड। हाँ,
ओके रेजा गार्डन वगैरह वो कुछ सोसाइटीज है मैं ना। ना आपका सेव कर लेता हूँ कि रीडेवलपमेंट वाला, तो उसके ऊपर फिर मैं चालू मेरा करता हूँ। बजट है ना हाँ 1-10 तक है, अच्छा 1-10 बहुत एक्सटेंड करेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो 1-20 तक। ओके, थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं अपना। और टू बी एच के, थ्री बी एच के, इतने बजट में, हाँ इतने बजट में टू बी एच के देख रहे हो, थ्री बी एच के देख रहे हो, 3 BHK 2 BHK जो दो भी, जो भी चलेगा। एक ढोले पाटिल रोड है, देखो ताड़ीवाला रोड, ढोले पाटिल रोड ना, वहाँ पे एक बहुत प्राइम लोकेशन पे था, जिसका मेरे को डिस्कशन भी मालूम है। वहाँ पे हमारे एक फ्रेंड रहते हैं कि रीडेवलपमेंट का कुछ प्रपोजल चालू है, वो भी चलेगा आपको। ढोले पाटिल रोड यहाँ कहाँ पे आता है, ये बन गार्डन के पास, पूना स्टेशन, कहाँ पे, हाँ पूना स्टेशन रेलवे स्टेशन, बन गार्डन। बंद गार्डन, हाँ तो हाँ, मतलब आपको दिखा दूंगा, देखने में क्या जाता है, आप जो भी है ना ऑप्शन देख लो, पर कुछ ना कुछ करवाएंगे सर। मैं सर्च करना चालू करता हूँ। हाँ मेरा मतलब ये क्या है ना सर, कि 4-5 साल में भी रिडेवलपमेंट को जाती है ना, तो पैसा अपना डबल होना, क्योंकि मेरे को खुद को तो रहना नहीं है, करेक्ट है, एज इन्वेस्टमेंट में देख रहा हूँ, राइट, तो ऐसा मेरा मतलब थिंकिंग है। समझ गया सर, मतलब एक एकदम। मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, हाँ वहाँ पे एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, मैंने वो प्रॉपर्टी सिटी ऑनलाइन नेटवर्क, मतलब मेरे को ऑनलाइन में मिला था, हाँ कल्याणी नगर में वो जो ब्रह्मा कॉर्प में, हाँ ब्रह्मा कॉर्प, पर ब्रह्मा कॉर्प में इतना रीडेवलपमेंट का चांस नहीं है वो सर। ट्रम्प टावर है ना, ट्रम्प टावर ट्रम्प के बाजू टावर, में एक सोसाइटी है, हाँ कुछ गार्डन, क्या नाम है वो, हाँ एकदम उसमें ट्रम्प एक बंदा टावर को देखा लग के ही था है वो, देखो क्या, ट्रम्प टावर को टच ही है बस वो। हाँ ट्रम्प टावर और उसको करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कल्याण नगर, याद आ उसी गया। सोसाइटी में एक फ्लैट है, वैसे तो है पर वो वो मंदिर कॉस्टली है सर, एकदम, इस रेंज में नहीं मिलेगा वहां पे। हाँ नहीं सर वो 1-20 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने मतलब 1 करोड़ तक मांगा था, क्योंकि 1 BHK है वो, हाँ तो वही फिर ना, भी वन मेरे बी पास एच के आ तो गया मिल, था। यस, तो वो बड़ी मेंटेन है, ओल्ड है फिर भी। तो एक ना ऐसे ही जो और है, देखो मैं बता, तो मेरे अभी और ध्यान में आ रहा है, मतलब पूरा अभी सिस्टम में मैं चेक कर लेता हूँ, जो भी रहेगा जिसके चांसेस हैं, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे है, वो मैं आपको दिखाना चालू करता हूँ, ठीक है ये सर। बंड गार्डन की तरफ आप ढोले पाटिल रोड बोल रहे हो, हाँ ये ढोले पाटिल रोड में एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं क्या, एग्जैक्ट लोकेशन देखो, पहले पूना सेंट्रल था ना उसके पास, राका, ये अपना टाइट तनिष्क का मालूम है शोरूम, वाडिया तनिष्क कॉलेज के आजू बाजू में समझ लो। का, हाँ वाडिया कॉलेज के आजू बाजू में, हाँ अच्छा ठीक है, चलो सर, मैं ना आपको पूरा आते ना डिटेल ही मेरे इकट्ठा करके आपको देता हूँ, कोई घर मतलब ये नहीं है। हाँ और आपको मैं व्हाट्सएप करता हूँ, और देखते हैं क्या कर सकते हैं चलो बेस्ट। सर, आपका नाम क्या बोले, अच्छा सनत ठाकुर। ठीक है सर, आप चलो नंबर सेव कर लो मेरा, कुछ और भी आपके नॉलेज में आता है मेरे को बता देना, प्रॉपर्टी निकालेंगे आपके लिए, मैं ठीक है पर्सनली सर, काम करता हूँ उस पर, एक टीम को लगा देता हूँ। ओके सर चलेगा। आपका ब्रोकरेज कितना रहता है, 2% रहता है सर, अच्छा 1 करोड़ के अबाउट तो 1% लेते हैं ना सर, वो नेगोशिएबल है सर, कर देंगे आपके लिए, टेंशन मत लो, एक चलिए बार काम ठीक हो है जाए सर, बस। हाँ ठीक है सर, ओके ओके, चलेगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये कॉल कैसा लगा, यहाँ पे मैं क्योंकि वीडियो एंड करूँगा, आप मेरे को बताना, थोड़ा डिफरेंट कॉल था, लेकिन आपको, आप अगर एक्सपर्ट हो चुके हो, मास्टर हो चुके हो, तो कोई कैसा भी कॉल आया आप हैंडल कर सकते हो। तो तीन तीनों डिफरेंट थे, एक तो एकदम सॉलिड गया, दूसरा वो ऐसी फर्जी इंक्वायरी निकली, तीसरे को रीडेवलप, पर मेरी तैयारी से उसको कोई लगा नहीं होगा, जबकि मेरे को जीरो आज तक मालूम नहीं है रीडेवलपमेंट होता क्या है, करते क्या है, कुछ भी नहीं मालूम, मैं करता भी नहीं हूँ, फिर भी उसको कुछ भी नहीं लगा। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोलना मैं चाहता हूँ, और बस, और वो इतना सपोर्टिव है, जैसे वो ब्रोकरेज भी बात कर रहा है, तो मैंने 2% बोला, अगर बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी बोल देना, एक यार ठीक है चलेगा, बट जो ये पूछता है ना वो बहुत जेन्यून होता है, ये बात मार करना चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे भी जोश आता है आपके कमेंट देख के। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।